सलाम स्वीकार कीजिए आसिफ असरार का और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को चुनने के लिए तैयारी करती है। इस तैयारी में सबसे अहम होता है सर्वे। इस सर्वे में उम्मीदवार की छवि, जनता का मूड और प्रत्याशी की लोकप्रियता को मोटा माटी तौर पर आंका जाता है, या यूं कहें कि देखा जाता है। धनबाद में कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस के करीब 250 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में धनबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों को लेकर अपनी अपनी राय देनी थी। जमाना डिजिटल हो गया है, इसलिए प्रत्याशियों के प्रति राय देने के लिए व्हाट्सएप को चुना गया। जी, झारखंड कांग्रेस के चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बैठक में शामिल सभी लोगों से कहा कि आप धनबाद लोकसभा सीट पर जिसे अपना उम्मीदवार देखना चाहते हैं उसका नाम मुझे व्हाट्सएप कर दें, यानी कि व्हाट्सएप पर नाम भेज दें। प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी की ओर से सर्वे भी कराया गया। समन्वय समिति के फीडबैक को भी शामिल कर प्रत्याशी का अंतिम चयन किया जाएगा। संकेत दिया गया कि भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा के बाद धनबाद से कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है। बता दें कि 2 मार्च को भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें झारखंड भाजपा ने 11 उम्मीदवारों को फाइनल किया था। 2 सीट पर अब भी उम्मीदवारों का नाम सामने आना बाकी है, एक तो चतरा और दूसरा है धनबाद। समन्वय समिति की बैठक में धनबाद एवं बोकारो के कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। प्रमुख नेताओं को पहले संबोधित करने का अवसर मिला, इसके बाद प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने सभी को संबोधित किया। अंत में सदस्यों से व्हाट्सएप पर नाम मांगा गया। समर्थकों के साथ दावेदार भी पहुंचे थे इस बैठक में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने समन्वय समिति की बैठक में सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मालूम हो कि धनबाद से प्रत्याशी को लेकर राजेश ठाकुर का नाम भी चर्चे में था। बैठक के दौरान प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पूर्व में उन्होंने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने झरिया से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि वो अभी लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। लाइव हिंदुस्तान के खबर के मुताबिक बैठक के दौरान पूर्व मंत्री मन्नान मलिक और पूर्व सांसद चंद्रशेखर उर्फ ददई दुबे के बीच आरोप प्रत्यारोप का जुबानी खेल चला। जब मन्नान मलिक को बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने कहा कि धनबाद लोकसभा सीट से कई लोग कांग्रेस के सांसद बने। ददई दुबे का नाम लेते हुए बोले कि कुछ लोग इधर से उधर चले जाते हैं। इशारों में उन्होंने ददई दुबे पर हमला किया था। जब ददई दुबे को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले अपने अंदर झांके। कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार खड़ा कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। मालूम हो कि मन्नान मलिक के पुत्र कांग्रेस छोड़कर MIMIM में चले गए थे। खैर, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक ऑफर लेकर आई है। समन्वय समिति की बैठक में प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले कि लोकसभा सीट में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिस बूथ में सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उस बूथ को पार्टी की ओर से 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। बूथ अध्यक्ष के माध्यम से ये रकम दी जाएगी। उस बूथ के मतदाताओं के कल्याण पर राशि खर्च की जाएगी। हालांकि ये ऑफर उसी सीट के लिए है जिस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।